नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बड़े पैमाने पे धांधली करना कितना आसान है। बड़े पैमाने पे यानी कि एक दो बूथ, दस बूथ में धांधली करना करीब करीब नामुमकिन है, लेकिन यदि कोई CIA लेवल का हस्ती हो या सोनिया गांधी लेवल की हस्ती हो, सुरपंखा गांधी, और यदि EVM की जो फैक्ट्री है बेंगलोर और हैदराबाद, दो जगह पे EVM बनते हैं, हैदराबाद में और बेंगलोर में, उस फैक्ट्री का जो इंचार्ज है, उसके गोडाउन का जो इंचार्ज है, वहाँ के जो 10-15 मेन लोग हैं, वो यदि साठ गार्ड बना लेते हैं तो आसानी से 1-2 लाख EVM में धांधली हो सकती है कि कैंडिडेट नंबर 3 के वोट, मतलब सारे कैंडिडेट के 10-20% वोट कम करके कैंडिडेट नंबर 3 को दे दो, इस तरह की धांधली करना पॉसिबल है। अब इलेक्शन कमीशन दो तरह से इस बात को नेगेट करता है। एक तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारा जो EVM है उसमें किसी तरह का नेटवर्किंग नहीं है, उसका कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है वगैरह। तो जो EVM जर्मनी में थे, जो कि अब इस्तेमाल नहीं होते, आयरलैंड में जो बने थे लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं हुए, कैलिफोर्निया में अभी उस पर बैन आ रहा है, जापान ने EVM का प्रोजेक्ट शुरू किया था लेकिन स्क्रैप कर दिया, पूरा प्रोजेक्ट स्क्रैप कर दिया, तो वहाँ के EVM भी इसी तरह से थे। दुनिया में आज तक कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, दुनिया में कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हो रहता हो, नेटवर्किंग करता हो, रिमोट कंट्रोल हो, एक्सेट्रा, स्टैंड अलोन ही होते हैं सारे। लेकिन उसमें प्रूव हुआ कि ये रिग हो सकता है। प्रूव कैसे हुआ कि जर्मनी में, अमेरिका में, आयरलैंड में सरकारों ने जो प्राइवेट इंजीनियर्स थे उनको EVM दिया, उन्होंने पैसे दिए। एक EVM मान लो भारत सरकार कहती है उसकी कीमत है 10,000, 15,000, 20,000 जो भी है, तो इंजीनियर जब कॉस्ट देता है कि 10,000 लो, 20,000 लो, 15,000, तो उसे EVM देना पड़ता है। तो उनको EVM मिला तो EVM से उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि इतनी इतनी तरह से इसमें धांधली हो सकती है, और पब्लिक के सामने प्रूफ आ गया कि धांधली हो सकती है, और EVM स्क्रैप हो गया। भारत का जो इलेक्शन कमीशन है वो एक अलग तरह का जंतु है। मैं आपको कहूं कि ये मेरा बटुआ है, बटुए में 5,000 रुपये हैं और 5,000 रुपये के जो नोट है वो असली है, और आप यदि दावा करो कि नहीं ये नोट नकली है, तो मैं कहूँ चलो साबित करो कि नोट नकली है, लेकिन खबरदार बटुए को छूना नहीं, हाथ लगाया तो, उंगली लगाई तो हाथ तोड़ दूंगा। तो आप साबित कैसे करोगे कि इसके अंदर जो नोट है वो असली है या नकली है? ना मैं आपको छूने देता हूँ पॉकेट को, ना नोट देखने देता हूँ, ना एक्सरे लेने देता हूँ। तो इलेक्शन कमीशन भी कुछ इसी तरह का तर्क करता है कि वो टेबल पे EVM रखेगा कि ये रखा हमारा EVM, अब बताओ इसको मैनिपुलेट करके बताओ। तो कोई इंजीनियर कहेगा कि भाई मुझे EVM खोल के देखने दो, तो खबरदार हाथ लगाया तो खोल के नहीं दिखाया था, तो कहे भाई एक्सरे लेने दो, तो एक्सरे भी नहीं मिलेगा, डिजाइन डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, बस ये EVM पड़ा है, इसको मैनिपुलेट करके दिखाओ। तो ये कोई आदमी बटुए को छुए बिना कैसे बताया कि इसके अंदर नोट है वो असली है या नकली? मतलब जर्मनी के EVM कैंसल हो गए बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि EVM टेक्नीशियनों को दिए, इंजीनियर को दिए, इंजीनियरों ने रिग करके बताया, कोर्ट के अंदर साबित हो गया, कोर्ट ने आदेश दिया कि सारे EVM स्क्रैप किया जाए। जबकि भारत के अंदर इलेक्शन कमीशन अपना रिकॉर्ड कैसे क्लीन करता है? कंप्लीट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि किसी को EVM छूने नहीं देगा और फिर बोलेगा कि देखो हमारा EVM है, वो कोई रिग करके नहीं दिखा सकता, और वो अखबार वालों को पैसे दे देते हैं ये छापने के लिए कि हैकर आए और वो EVM रिग करके नहीं दिखा पाए। पर कैसे रिग करके दिखाया, जब EVM को दिया नहीं, दिखाया नहीं, डिजाइन नहीं दिया, EVM को खोल के नहीं देखने दिया, तो कोई आदमी उसे कैसे मैनिपुलेट करके बता सकता है? दूसरा, जब एक इंजीनियर है आंध्र प्रदेश के हरिप्रसाद, आप गूगल करना, यूट्यूब पे जाके गूगल करना हरिप्रसाद EVM, उनका वीडियो आएगा, तो उन्होंने एक वास्तविक EVM लेके वीडियो बना के दिखाया, तो दूसरे दिन इलेक्शन कमीशन ने उसको जेल में बंद करा दिया। जिस आदमी ने प्रूव करके दिखाया कि EVM में मैनिपुलेशन हो सकता है और मैनिपुलेशन कितना आसान है वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, दूसरे दिन इलेक्शन कमीशन ने उसको जेल में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस के द्वारा उसके जो एम्प्लॉई है हैदराबाद की कंपनियों को, उनको हैरेस किया गया,
उनको धमकाया गया कि आप कंपनी की नौकरी छोड़ दो, और ये सब कुरैशी की वजह से हुआ। कुरैशी ने ये सारा रफा, कुरैशी और सुन्नी हुसैन पंखा गांधी और मनमोहन सिंह तीनों ने मिलकर, उन्होंने इस तरह से हरिप्रसाद और उसके कंपनी के एम्प्लॉई को हैरेस किया, जिस आदमी ने प्रूव किया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हरिप्रसाद का जो ईवीएम का वीडियो है यूट्यूब पे है वो देखिए, 10-12 मिनट का वीडियो, उसमें आप 3 मिनट के अंदर दिखा सकते हैं कि कैसे ईवीएम मैनिपुलेट हो सकता है। ईवीएम मैनिपुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीके पे मैं फोकस करूंगा कि ईवीएम को खोलकर उसका जो डिस्प्ले का सर्किट है वो डिस्प्ले का सर्किट बदलकर वापस ईवीएम को बंद कर दो। अब कोई आदमी बता नहीं सकता कि ये डिस्प्ले का सर्किट बदल गया है। उसके बाद वो डिस्प्ले के सर्किट में करामत क्या है कि लोगों ने वोट दिए, कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस का बटन जला, बीजेपी को वोट दिए, बीजेपी का बटन दबा, एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंट को वोट दिए, उसका भी बटन लगा। अब इलेक्शन खत्म होने के बाद कोई आदमी रिमोट कंट्रोल के द्वारा ईवीएम को बोल सकता है कि सारे कैंडिडेट के वोट 20% कम कर दो, और कैंडिडेट नंबर 3 या 2 या जो भी प्रेफर्ड कैंडिडेट है उसके वोट उतने बढ़ा दो। यानी कि मान लो 500 लोगों ने वोट डाला है तो सबके वोट काउंट से 20-20% कम हो जाएगा, और वोटर नंबर 3 या जो कैंडिडेट नंबर 3 या 2 जो भी है उसको 100 वोट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ये मैनिपुलेशन हरिप्रसाद के वीडियो में करके उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया है, और ये सारे ईवीएम के साथ हो सकता है। तो अब इलेक्शन कमीशन फिर से ये दलील करता है कि भाई इस तरह से आप पोलिंग बूथ के अंदर जाकर डिस्प्ले कैसे चेंज कर पाओगे, ये सारे बकवास बात है। डिस्प्ले चेंज करने कोई पोलिंग बूथ में नहीं जाएगा। डिस्प्ले यदि चेंज करना होगा तो मैं फैक्ट्री में ही करूँगा, मैं नहीं कर सकता, मैं या आप जैसे हमारे जैसे कोई छोटा आदमी नहीं कर सकता। लेकिन सोनप्रका गांधी और मनमोहन सिंह या CIA जो ईवीएम मैनिपुलेशन में यदि किसी का हाथ है तो वो CIA का है, क्योंकि ये एक संस्था है जो कि ईवीएम मैनिपुलेट कर भी सकती है और मीडिया को दबा भी सकती है कि दिखाना मत, क्योंकि वो हरिप्रसाद का वीडियो 2-2.5 साल से यूट्यूब पे पड़ा है। एक भी टीवी चैनल, पेड टीवी चैनल जो मैं कहता हूँ, फिर वो पेड स्टार न्यूज हो या पेड ZTV हो या पेड सहारा न्यूज हो, या एक भी पेड टीवी चैनल ने उसे दिखाया नहीं। अब उस वीडियो में यदि डिस्प्ले चेंज करना है उस वीडियो में जिस तरह से दिखाया है, तो बेंगलोर या हैदराबाद की जो ECIL या BEL की जो फैक्ट्री है उसके फैक्ट्री के वेयरहाउस के जो इंचार्ज है, सारे ईवीएम बन के आ गए, उसके बाद ये वेयरहाउस में 1000-2000 जितने ईवीएम पड़े, मेरे आदमी 3 या 4 आदमी रात को 2 बजे जाए, 2-3 मिनट में एक ईवीएम का सर्किट बदल सकते हैं, मैक्सिमम 5 मिनट में, तो 1 घंटे में 12 ईवीएम, 4 घंटे में 50 ईवीएम, 8 घंटे में 100 ईवीएम, मतलब मेरे यदि 4-5 आदमी जाते हैं तो 3-4 हजार ईवीएम के सर्किट आराम से बदल सकते हैं। इतना ही नहीं, बेंगलोर से ईवीएम पहुंचाए जाते हैं मुंबई या अहमदाबाद या चंडीगढ़ या पूरे भारत में ट्रक से, प्लेन से नहीं जाते, ट्रक से जाते हैं। तो ट्रक का कॉन्ट्रैक्ट मान लो CIA या सोनिया गांधी की कोई कंपनी या मनमोहन सिंह की कोई कंपनी ले लेती है, या हैदराबाद तो वो गुंडा कौन था YSR जिसका एक्सीडेंट करवा दिया सोनिया गांधी ने, हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट करवा दिया उसका, वो भी उसके आदमी जब हैदराबाद से ट्रक निकलता है तो वो पूरा ट्रकिंग, उसका बहुत बड़ा ट्रकिंग का बिजनेस है, तो हैदराबाद से 500-1000 ईवीएम लेके एक ट्रक निकला जो कि बॉम्बे, अहमदाबाद, चंडीगढ़ अलग अलग जगह 100-200-500 ईवीएम पहुँचा रहा है। अब वो ट्रक पहुँचेगा 3 दिन बाद 4 दिन बाद 5 दिन बाद, तो यानी उस 1000 ईवीएम के डिस्प्ले का सर्किट बदलने के लिए मेरे आदमियों के पास पूरे 3-4 दिन है, और काम 3 घंटे का 4 घंटे का, और उनके पास टाइम कितना है, आराम से 3-4 दिन। यानी बेंगलोर से अहमदाबाद के बीच या जहाँ भी ईवीएम पहुँचाने वहाँ उन्होंने सर्किट बदल दिए, और नए सर्किट इस तरह के हैं कि डिस्प्ले उन्होंने चेंज कर दिया है, यानी रिमोट कंट्रोल से उस डिस्प्ले के वोटर बदल सकते हैं। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका मैंने दिया है rahulmehta.com/evm1.pdf। आप 2 वीडियो देख सकते हैं, rahulmehta.com/evm.htm और दूसरा evm1.pdf।
उसमें मैंने एक सॉफ्टवेयर का तरीका बताया, मैथमेटिक्स का तरीका बताया कि जिसके द्वारा मैनिपुलेशन पॉसिबल है। यहाँ तक कि कैंडिडेट पता नहीं है कि भाई कांग्रेस का कैंडिडेट है वो नंबर दो होगा या नंबर तीन होगा, वो पता नहीं है। कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट है वो एक से पाँच के बीच कहीं भी हो सकता है। एक से पाँच के बीच क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये नियम है कि नेशनली रिकॉग्नाइज पार्टी के कैंडिडेट को ऊपर रखा जाता है। तो नेशनली रिकॉग्नाइज पार्टी कितनी है? छः या सात, आठ, अधिक से अधिक आठ होगी। और मैक्सिमम एक कंस्टिट्यूएंसी में चार या पांच नेशनल एंड रिकॉग्नाइज पार्टी होती है, बहुत कम केस में पांच होती है, अधिकतर केस में दो या तीन होती है, कभी कभी चार या पांच। यानी कांग्रेस का कैंडिडेट होगा तो उसको एक से पांच के बीच मिलेगा, ये गारंटीड है। तो किस तरह से टोटल कैसे कांग्रेस को कैंडिडेट नंबर मिला, मान लो दो, जब ईवीएम मैन्युफैक्चर हुआ तब पता नहीं है, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नंबर आएगा, किसी में दो आएगा, किसी में एक आएगा, किसी में पांच आएगा, और ईवीएम तो जा रहे हैं अब, तो कैसे मैनिपुलेट हो सकता है? वो मैंने तरीका एक्सप्लेन किया ईवीएम 1.pdf में कि मान लो कांग्रेस का कैंडिडेट नंबर दो हुआ तो जो इलेक्शन का इंचार्ज आदमी है वो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इस तरह से मैनिपुलेट कर सकता है कि ईवीएम को पता चल जाए कि अब मुझे कैंडिडेट नंबर दो को एक्स्ट्रा वोट देने। यदि कांग्रेस का कैंडिडेट नंबर तीन आया तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इस तरह से एडजस्ट करेगा कि वही ईवीएम है वो आप कैंडिडेट नंबर तीन को एक्स्ट्रा वोट देगा। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट को एडजस्ट करके प्रिफर्ड कैंडिडेट को ज़्यादा वोट दिखा दिए जा सकते हैं। ये तरीका मैंने मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर तरीका है जो मैंने rahulmehta.com/evm1.pdf में दिया। यानी इतने सारे तरीके हैं मैनिपुलेट करने के। अब मई 2009 में जब कांग्रेस को 29% वोट मिले, सीट 200 मिली या 400 मिली या 120 मिली इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि सीट तो क्या है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, ऑपोजिशन बटा हुआ है, तो कम प्रतिशत पे भी ज़्यादा सीट मिल सकती है। जैसे नीतीश कुमार को सिर्फ 37% वोट मिले थे। नीतीश कुमार को अभी जो बिहार में एमएलए का इलेक्शन हुआ उसमें सिर्फ 37% वोट मिले, लेकिन एमएलए की सीट इनको कितनी मिली? 84%। क्यों? क्योंकि ऑपोजिशन पूरा बटा हुआ था, कांग्रेस, लालू, रामविलास पासवान बहुत सारे लोग थे। जबकि नरेंद्र मोदी को 51% वोट मिले, लेकिन सीट उसको मिली टू थर्ड जीतनी, 125 जीतनी यानी अब करीब करीब टू थर्ड, यानी परसेंटेज वोट ज़्यादा मिले लेकिन सीट कम मिली। तो पर 29% वोट क्यों ज़्यादा लगे? क्योंकि कांग्रेस को 2004 में वोट मिले थे 24%, और अधिकतर लोग ये सोच रहे थे कि भाई इस बार वोट उसके 1-2% कम होंगे। तो 22% की सब गिनती लगा के बैठे थे कि इस बार कांग्रेस को 22% वोट मिलेंगे। यूपीए की जो पार्टी थी उसमें से जनता दल, ये लालू यादव निकल गए थे, और इस तरह से भी कम वोट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस को 29% वोट मिले और बाकी जो यूपीए के पार्टनर थे उसको भी ज़्यादा वोट मिले। तो लोगों को डाउट गया कि ईवीएम मैनिपुलेशन हो सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ने एक भी ईवीएम खोल के नहीं दिखाया। ऐसा नहीं कहते कि सारे ईवीएम खोल के दिखाओ, रैंडमली कोई चूज करे कि भाई इतने 1500 ईवीएम कलेक्टर की कचहरी में पड़े हैं, एट रैंडम सिलेक्ट करे, या तो कैंडिडेट बोले कि ये 5 ईवीएम खोल के दिखाओ और 5 ईवीएम का पैसा ले लो जितना होता है। ईवीएम वैसे भी कलेक्टर को आदेश दिया जाता है कि 10 साल बाद फेंक दिया जाता है, ईवीएम की लाइफ है 10 साल, 10 साल के बाद उसे फेंक देना होता है। तो फिर वो जो ईवीएम डिस्ट्रॉय होने वाला है वो आप किसी टेक्नीशियन को क्यों नहीं दे सकते कि ताकि वो एग्जामिन कर ले? तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि यदि हम किसी प्राइवेट आदमी को ईवीएम देते हैं तो उसके लिए हैकिंग करना आसान हो जाएगा। तो यदि प्राइवेट आदमी ईवीएम देख के हैकिंग करना सीख सकता है तो इसका मतलब कि सोनिया गांधी है या मनमोहन सिंह है या CIA है, उनको तो हैकिंग करना आता ही होगा, क्योंकि वो तो जब चाहे तब ईवीएम मंगा के देख सकते हैं। सोनिया गांधी मान लो फ़ोन करके कुरैशी को बोले कि मुझे 10-20 ईवीएम देने हैं, तो क्या कुरैशी मना करने वाला है? या CIA उसको $2-4 million की रिश्वत दे कि भाई हमें 100-200 ईवीएम देखने हैं, तो क्या कुरैशी मना करने वाला है? बिल्कुल मना नहीं करेगा। वो आदमी चौटाला का कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुका है, और चौटाला कितने ईमानदार आदमी है आप भी जानते हो, और कितने ईमानदार आदमी को वो रखेगा अपने ऑफिसर की पोस्ट पे, वो भी इम्पोर्टेंट कैबिनेट या प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोस्ट पे, वो भी अंदाज लगाने की बात है। तो यदि ये कहा जाए कि प्राइवेट आदमी को ईवीएम मिलेगा तो वो तुरंत हैक करना सीख जाएगा,
ईवीएम खतरे में आ जाएगा, तो इसका मतलब कि ईवीएम अभी भी खतरे में है। तो प्राइवेट आदमी को इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि ऐसा हुआ तो प्रूव हो जाएगा कि ईवीएम है वो हैकेबल है। अब इलेक्शन कमीशन बार बार गलत दलीलें करता है। पहली दलील करता है कि ईवीएम के आने की वजह से खर्चा कम हो गया, ये 100% झूठी बात है। हुआ क्या कि 1996 में कैंडिडेट की डिपॉजिट थी सिर्फ 500 रुपया लोकसभा के कैंडिडेट की, तो 500 रुपया डिपॉजिट थी 1996 में, इसलिए एवरेज सीट पे 24 उम्मीदवार खड़े थे, तो अफरा तफरी मच गई। कुछ कुछ जगह पे तो हजार उम्मीदवार थे, वो तो एक्सट्रीम केस था, पर बहुत सारी सीटें थी जहाँ पे 70 उम्मीदवार 80 उम्मीदवार, इसलिए अफरा तफरी मची थी। 1999 में या 1998 में ईवीएम का सबसे पहले यूज हुआ, यानी 80-90% सीट पे ईवीएम का यूज हुआ और इलेक्शन रिलेटिवली आसानी से कंडक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि डिपॉजिट बढ़ा के कर दी थी 10,000, डिपॉजिट 10,000 हो गए, यानी एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट पर सीट हो गया था 9, यानी 9 कैंडिडेट हो गए, 24 से घटते सीधे 9 आ गए, और इसलिए इलेक्शन है वो सिंप्लीफाई हो गया। तो ये कैंडिडेट नंबर कम हो गया, इसकी वजह से इलेक्शन सिंप्लीफाई हुआ था। अब कैंडिडेट नंबर, मान लो कैंडिडेट जो पहला इलेक्शन हुआ था 1951 में, उस पर एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे? 3। क्यों 3 थे? क्योंकि उस समय डिपॉजिट कितनी थी? 500 रुपया। 500 रुपया 1951 का 500 रुपया यानी कितना हुआ? उस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर की तनख्वाह हुआ करती थी 350-400 रुपया। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर की तनख्वाह कितनी है? 50,000 से लेकर 80,000 के बीच। तो यदि हम 1951 के हिसाब से डिपॉजिट आज रखना चाहे तो डिपॉजिट होनी चाहिए 50,000 से 1,00,000 के बीच, लेकिन डिपॉजिट है 10,000 और 1996 में तो डिपॉजिट थी 500 रुपया, इसलिए नंबर ऑफ कैंडिडेट जो 1951 में 3 थे वो बढ़ के 1996 में 24 हो गए और अफरा तफरी हो गई। 1951 में जो इलेक्शन हुआ उसमें वोटर कार्ड जो था उसकी साइज पोस्ट कार्ड से थोड़ी सी ज़्यादा थी बस, क्योंकि तो 3 ही कैंडिडेट थे एवरेज सीट पे, 3-4 करूँगे कहीं कहीं पर 5। और वोट काउंटिंग है वो बहुत आसानी से हो गया क्योंकि जो बैलेट पेपर है वो 5 बार 6 बार 10 बार फोल्ड नहीं करना पड़ता था, सिर्फ एक ही बार फोल्ड करना पड़ता था। मान लो बैलेट पेपर की साइज इतनी है तो बैलेट पेपर को सिर्फ एक ही बार फोल्ड करना पड़ेगा, और फोल्ड करके डाल दिया तो जब काउंटिंग करना है तो अनफोल्ड एक ही बार करना पड़ता है और सीधा दिख जाएगा कि किसको वोट दिया और उसकी थप्पी में डाल दिया। काउंटिंग ऐसे होता है पेपर बैलेट जब यूज होता है कि पहले थप्पियाँ बनती है और फिर थप्पियों की काउंटिंग होती है, तो कैंडिडेट यदि कम है तो कम थप्पियाँ बनेगी, टेबल पे आसानी से काम हो जाएगा। तो इस तरह से 1951 में ऑन एन एवरेज काउंटिंग का टाइम लगा था 5 से 6 घंटा और 1996 में काउंटिंग का टाइम बढ़ के हो गया था 24 घंटा कहीं कहीं जगह पे 36 घंटा, जिसका कारण था नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ गए थे। अब नंबर ऑफ कैंडिडेट मान लो 7, 8 या 9 है तो बैलेट पेपर की साइज इससे ज़्यादा नहीं होगी। यदि 7-6 कैंडिडेट है तो बैलेट पेपर की साइज इतनी होगी, 9 कैंडिडेट है तो बैलेट पेपर की साइज इससे थोड़ी ज़्यादा होगी। तो एक बैलेट पेपर खर्चा, प्रिंट करने का खर्चा 50 पैसे से ज़्यादा नहीं आएगा। आप कागज की कीमत, प्रिंटिंग की कीमत सब मिला के लिख दीजिए तो एक बैलेट पेपर का 50 पैसा खर्च आया था। तो पूरे देश में 75 करोड़ बैलेट पेपर छपते हैं तो उसका खर्चा आएगा 37 करोड़ बैलेट प्रिंटिंग का खर्चा। और ईवीएम में खर्चा कितना आता है? ईवीएम में एक ईवीएम 10,000 का होता है लेकिन उसमें सरकार सब्सिडी देती है, यदि सब्सिडी को ना गिनो तो उसका खर्चा 15,000 से ऊपर आता है, यानी प्रति वोटर उसका खर्चा 15 रुपया हुआ। एक हज़ार वोटर के बीच एक ईवीएम चाहिए और प्रति वोटर एक ईवीएम का खर्चा यदि 15,000 है तो प्रति वोटर कॉस्ट हुई 15 रुपये, जबकि बैलेट पेपर में प्रति वोटर कॉस्ट आती है 50 पैसे। अब दूसरा तर्क आता है कि ईवीएम हर साल यूज़ हो सकता है, लेकिन ईवीएम 10 साल से ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकता, उसके मैनुअल में लिखा है कि 10 साल के बाद उसे फेंक देना है। यानी मैक्सिमम ईवीएम कितने बैलेट पेपर को कितने इलेक्शन में काम आएगा, 10 साल में कितने इलेक्शन होते हैं असेंबली कॉरपोरेटर और सॉरी पार्लियामेंट असेंबली, कॉरपोरेशन के इलेक्शन में अलग ईवीएम होता है, वो ईवीएम इसमें नहीं चलता, वो दोनों अलग अलग ईवीएम है। कॉरपोरेशन का इलेक्शन का जो ईवीएम होता है ग्राम पंचायत कॉरपोरेशन का, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास होता है, वो ईवीएम पूरा अलग है, उसकी डिज़ाइन अलग है, वो दोनों ईवीएम शेयर भी नहीं करते। और सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो ईवीएम है वो यूज़
यूज होता है पार्लियामेंट में और असेंबली में। तो 10 साल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्शन आएंगे? पार्लियामेंट के दो आएंगे, असेंबली के दो आएंगे, चलो बाई इलेक्शन हो गया, तो दो इलेक्शन और मान लो तो 6 इलेक्शन आएंगे। यानी ईवीएम पड़ता है प्रति वोटर, प्रति वोट उसका खर्चा बैलेट पेपर से मिनिमम डबल आता है। यानी बैलेट पेपर किसी भी एंगल से महंगा नहीं पड़ता, सस्ता पड़ता है। और दूसरी बात धांधली की, धांधली की जो मैंने बताया कि यदि ये ईवीएम और उसके डिस्प्ले मैंने चेंज कर दिया फैक्ट्री के अंदर, तो मैन्यूपुलेट करना कितना आसान हो गया कि ऐसे 1500 ईवीएम पड़े हैं कलेक्टर की कचहरी में और मेरा एक ट्रक बार आता है, वो रिमोट कंट्रोल से सिग्नल भेजता है कि कैंडिडेट नंबर 3 के 20% वोट बढ़ा दो, बाकी सबके 20% कम कर दो। तो एक वैन खड़ा रहा और 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर 1500 ईवीएम के वोट बदल गए। जबकि पेपर बैलेट में क्या था कि मुझे गुंडे भेजने पड़ेंगे, प्रति बूथ मुझे 2 या 3 गुंडे चाहिए। यानी पूरे भारत में 7 लाख बूथ है, 7 लाख बूथ की मैनिपुलेशन करना हो या 1 लाख बूथ की भी मैनिपुलेशन करनी हो तो मुझे 2 लाख गुंडे चाहिए, 2 लाख गुंडे किसी के पास नहीं। यानी बूथ लेवल पे मैनिपुलेशन कहते हैं कि इसमें आसान है बैलेट पेपर में, लेकिन ये जो ईवीएम है उसमें तो इंडस्ट्रियल स्केल मैनिपुलेशन हो गया कि एक साथ आप 50,000 1 लाख ईवीएम मैनिपुलेट कर सकते हो। यदि वो फैक्ट्री का इंचार्ज जो है या तो जो गोडाउन का मालिक है या जो ट्रकिंग कंपनी का मालिक है, वो यदि साथ देने को तैयार हो गया तो हजारों ईवीएम आप एक साथ मैनिपुलेट कर सकते हो। तो इस हिसाब से बैलेट पेपर की कॉस्ट को मुद्दा बनाना, ये मुद्दा इलेक्शन कमीशन ने निकाला, मैंने नहीं निकाला। इलेक्शन कमीशन बार बार ये ढोल पीटता है कि कागज सस्ता पड़ता है, कागज महंगा पड़ता है, पर वो कॉस्ट नहीं देता कि आप बताओ कि कागज की कितनी कॉस्ट है और ईवीएम की कितनी कॉस्ट है। वो सिर्फ इतना बता देता है कि इतने पेड़ बच गए। दूसरा आप अंदाज लगाओ कि एक बैलेट पेपर की साइज इतनी मान लो, आप इससे डबल मान लो, चलो एक बैलेट पेपर की साइज इससे डबल मान लो, तो एक अखबार के कितने पन्ने हुए इससे डबल, यानी एक ईवीएम के आप एक बैलेट पेपर को इतना लंबा मानते हो, तो अखबार कितने, 1 2 3 4 एक अखबार की शीट में से 4 बैलेट पेपर बनेंगे। एक अखबार में कितनी शीट होती है, मिनिमम 16, यानी एक अखबार में से 64 जितने बैलेट पेपर बनेंगे, यानी 1 करोड़ अखबार में से 64 करोड़ बैलेट पेपर बन सकते हैं। यानी बैलेट पेपर में जितना कागज जाता है उतना कागज हमारी न्यूज़पेपर इंडस्ट्री पर डे इस्तेमाल करती है, उससे ज़्यादा। पूरे देश में कुछ 2 करोड़ न्यूज़पेपर, मतलब मिनिमम 1 करोड़ कॉपियाँ छपती है, जैसे गुजरात समाचार हो तो 10 लाख, कोई और टाइम्स ऑफ इंडिया हो, पूरे भारत में सब मिला के कुछ 20-25 लाख, सब मिला के 1 करोड़ से तो कहीं ऊपर है, पर 1 करोड़ न्यूज़पेपर भी छप रहे हैं। तो पूरे जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री जितना कागज़ एक दिन में कंज्यूम करती है उससे कम कागज़ पूरे देश के इलेक्शन के बैलेट पेपर में इस्तेमाल होगा। और इलेक्शन आता है 5 साल में 1 बार या 5 साल में 2 बार या 5 साल में 3 बार बाय इलेक्शन के लिए। तो इस तरह से ये कहना कि कागज बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है वो गलत दलील है। दूसरी बात आई गिनती की, कि इसमें गिनती में कम समय जाता है, ऐसा नहीं है। ईवीएम में ट्रेनिंग में ज़्यादा टाइम जाता है, यहाँ पे गिनती में ज़्यादा टाइम लाता है लेकिन ट्रेनिंग में टाइम नहीं जाता, क्योंकि बहुत सिंपल है बैलेट पेपर। आप अनपढ़ गवार आदमी है वो भी बैलेट पेपर की काउंटिंग करना, बैलेट पेपर खोलो, देखो कहाँ ठप्पा मारा है, गड्ढिया बनाओ और फिर काउंटिंग करो। तो इस हिसाब से इसमें ट्रेनिंग में ज़्यादा टाइम जाता है, मिनिमम 2 दिन उनको ट्रेन करना पड़ता है एम्प्लॉई को, तो टाइम ईवीएम में ज़्यादा जाता है। और टाइम की आप वैल्यू निकालो कि एक एम्प्लॉई का दिन का खर्चा आता है 1000, 1200, 1500 जो भी आता है, तो इस हिसाब से ईवीएम में ज़्यादा खर्चा आता है। दूसरा कि जो बैलेट पेपर है उसकी साइज बड़ी क्यों होती है, क्योंकि डिपॉजिट को मैं बढ़ाते नहीं है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, आज 1951 में 500 रुपया डिपॉजिट थी लोकसभा के इलेक्शन में, तो 1996 तक 500 रुपया रखी, तो 1996 में का 500 रुपया और 1951 का 500 रुपया और 1996 का 500 रुपया, जाहिर है कोई वैल्यू ही नहीं रही। इसी तरह से डिपॉजिट 1998 में थी 10,000, तो 2009 में 11 साल के बाद हर एक चीज़ के दाम 3 गुने हो गए लेकिन डिपॉजिट थी 10,000, तो एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट 9 से बढ़ के हो गए 19। तो इसमें मेरा सुझाव है कि डिपॉजिट बढ़ानी चाहिए। डिपॉजिट कैसे बढ़ानी चाहिए कि कैंडिडेट के पिछले 3 साल की इनकम का एवरेज मांगा जाए और उसके पास दौलत कितनी है वो मांगा जाए, उसका 1%
मैक्सिमम 1 लाख और मिनिमम 10,000। यानी कोई गरीब आदमी आ रहा है तो आज डिपॉजिट 10,000, आज उसको 10,000 देनी पड़ती है। गरीब हो, एसटी एससी के लिए 5,000 है, पर गरीब आदमी हो, कितना भी गरीब हो, उसके लिए 10,000 है। तो गरीब आदमी के लिए मेरे जो नए कानून प्रपोज कर रहा हूँ उसमें 10,000 रहेगी। लेकिन किसी के आदमी के पास मान लो 2-5 करोड़ की दौलत है, लीगल है, उसमें तो कोई पैसा होना कोई बुरी बात नहीं है, तो उस पर लगेगा 1%, मैक्सिमम 1 लाख। और ये 1 लाख की लिमिट है, वो महंगाई के अनुसार बढ़ दी जाएगी। अभी 1 लाख है, अगले साल हो जाएगी 1,20,000, मतलब 1,10,000, क्योंकि पैसे की वैल्यू इतनी कम हो रही है। तो 1% ऑफ हिज वेल्थ, मैक्सिमम सीलिंग 1 लाख। तो ऑटोमेटिकली अधिकतर कैंडिडेट जो है उनके पास वेल्थ है वो 1-2 करोड़ से ऊपर है। अधिकतर कैंडिडेट, मैं कहूँगा 90% कैंडिडेट के पास वेल्थ है वो 50 लाख से ऊपर है। तो जब डिपॉजिट की अमाउंट उनकी 50,000 हो जाएगी, तो अपने आप स्पूरियस कैंडिडेट है जिनको इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे फालतू में खड़े हैं, वो कम हो जाएगा। तो बैलेट पेपर की साइज इससे कम हो जाएगी, और इस तरह से बैलेट पेपर की साइज कम हो जाएगी, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हो जाएंगे, और काउंटिंग में कम टाइम लगेगा, पूरे इलेक्शन की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से भी मैनेज करने का तरीका है। अब इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का दूसरे देशों में क्या हुआ? जर्मनी में इस्तेमाल हुआ, लोगों ने उसको रिग करके दिखाया, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ईवीएम को बैन कर दिया, पेपर बैलेट पे वापस आ गए। जापान ने ईवीएम का प्रोजेक्ट स्क्रैप कर दिया। आयरलैंड ईवीएम, आप गूगल करना, आयरलैंड ईवीएम, ईवीएम बन चुके थे, तैयार थे, पूरे देश में ईवीएम पहुंच चुके थे बूथ तक, बूथ की ऑफिस तक। एक हफ्ते पहले पूरा ईवीएम का प्रोजेक्ट स्क्रैप किया और पूरा इलेक्शन वो पेपर बैलेट से कंडक्ट किया। मैं बात कर रहा हूँ 2006 का आयरलैंड का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो पेपर बैलेट से हो रहा, हमेशा पेपर बैलेट से हो रहा था। 2006 में वो ईवीएम यूज करने वाले थे लेकिन फिर से पेपर बैलेट में आ गए, क्योंकि प्रूव हो जाता है कि इसमें बड़े पैमाने पर रिगिंग हो सकती है। अब सवाल आता है कि समस्या का उपाय क्या है। मैंने इंडियन एक्सप्रेस में एडवर्टाइजमेंट दी थी 31 जुलाई 2009 के दिन एडवर्टाइज दी थी कि ईवीएम में रिगिंग हो सकता है। एडवर्टाइज क्यों देनी पड़ी? क्योंकि सारे पेड मीडिया वालों ने आर्टिकल लेने से मना कर दिया, सबने बोला कि आर्टिकल नहीं लेना। तो बाकी संगठन जो है, अब कोई बहुत सारे संगठन है, वो तो रोना शुरू कर दे कि मीडिया हमारी बात सुनता नहीं है, मीडिया हमारी बात लिखता नहीं है। आरएसएस के बहुत सारे कार्यकर्ता मुझे मिलते हैं, बीएसपी के, बजरंग दल के, और बच्चे की तरह रोते हैं कि मीडिया हमारी बात लिखता नहीं है, मीडिया हिंदुओं को अन्याय करता है, मीडिया सिर्फ उनकी बात लिखता है। और मैं अक्सर उनसे बोलता हूँ कि भाई आपकी मेंबरशिप कितनी है पूरे देश में या अहमदाबाद में या गुजरात में? तो गुजरात में उनकी मेंबरशिप होगी 1 लाख से ऊपर, 2 लाख से ऊपर, सीरियस मेंबर 1 लाख से ऊपर है। सीरियस यानी कि जो मीटिंग में मिनिमम महीने से एक बार जाते हैं और महीने के 500,000 डोनेट करने को तैयार है, ऐसे सीरियस मेंबर अहमदाबाद में ये 3-4 संस्थाएं जो है उनके 1 लाख से ऊपर है। मैंने कहा इतने सारे मेंबर है आपके पास, आप अखबार में एडवर्टाइज नहीं दे सकते? हर एक मेंबर से 100-100 रुपये इकट्ठा कीजिए तो भी 1 करोड़ रुपये हो गए। 1 करोड़ रुपये से आप अखबार में 50 एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। मैं अकेला आदमी एडवर्टाइजमेंट दे सकता हूँ तो आप क्यों नहीं दे सकते? मैंने अभी तक में 15-17-20 एडवर्टाइजमेंट दिए हैं, राइट टू रिकॉल पे, ईवीएम मैनिपुलेशन पे, राइट टू रिकॉल लोकपाल पे, अन्ना और मल्टीनेशनल कंपनियों की मिली भगत पे, और बांग्लादेशियों के इस पे। खैर, तो जब अखबार वालों ने मेरा ईवीएम का आर्टिकल देने से मना किया तो मैंने तय किया कि मैं एडवर्टाइजमेंट दूंगा। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने मेरा एडवर्टाइजमेंट लिया नहीं, वैसे लेते तो भी मैं शायद दे नहीं पाता, वो बहुत महंगा रहता है। इंडियन एक्सप्रेस में मेरा लिया पर एडिटर ने मना कर दिया कि फ्रंट पेज पर नहीं डालने दूंगा, तो आधा ऑडियंस तो चला गया। कोई अखबार तैयार नहीं था, इंडियन एक्सप्रेस का एडिटर भी बिका हुआ, उसने भी फ्रंट पेज पर डालने से मना कर दिया। तो मैंने बोला कि चलो भाई थर्ड पेज पर डाल दो, सेकंड पेज पर डाल दो। तो सेकंड पेज पे 31 जुलाई 2009 को पूरे इंडिया के इंडियन एक्सप्रेस में दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता, काफ़ी शहरों में आया ईवीएम मैनिपुलेशन के ऊपर। उसमें मैंने तरीका बताया कि दो तरीके हैं ईवीएम का प्रॉब्लम सॉल्व करने के। एक तो राइट टू रिकॉल इलेक्शन कमीशनर, वो थोड़ी दूर की बात लगे, तो प्रधानमंत्री को एक्टिविस्ट है वो बोल सकते हैं कि वेबसाइट आप पे क्वेश्चन रखो कि ईवीएम होना चाहिए या नहीं, और एक
मोबाइल एक नंबर रखो यस के लिए और दूसरा रखो नो के लिए, और जो आदमी मोबाइल जो चाहता है ईवीएम होना चाहिए वो यस पे मिस कॉल करे और जो नो चाहता है वो नो पे मिस कॉल करे। या तो जिसके पास मोबाइल नहीं है तो पटवारी की कचहरी में जाके 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया दे के अपना वोटर कार्ड दिखा के आना दर्ज करा सके। तो इस तरह से पब्लिक ओपिनियन गैदरिंग, वो पब्लिक ओपिनियन ऑथेंटिक है ऐसा भी नहीं बोल सकते, लीगल वैल्यू भी नहीं देनी है उसे, पर कम से कम पब्लिक को एक वेरीफाइड ओपिनियन रखने का मौका मिले कि मैं पटवारी की कचहरी में वोटर लिस्ट जाता हूँ और दोबारा जाता हूँ तो पटवारी मेरे पुराने वोट पे ओवरराइड करेगा, तो मैं 50 बार यस नहीं कर पाऊंगा और मैं 10 बार 100 लोगों के वोटर कार्ड लेके जाऊंगा तो पकड़ा जाएगा, मेरे वहाँ पे फिंगरप्रिंट ले सकते हैं वगैरह। और यदि मोबाइल से रखो तो एक आदमी के पास 5 मोबाइल है लेकिन 5000 मोबाइल तो नहीं है ना, 5 मोबाइल है तो 5 बार करेगा अधिक से अधिक, तो कम से कम खुद तो ओपिनियन आएगा कि लोग ईवीएम चाहते हैं या नहीं। एक यह तरीका। दूसरा तरीका कि यदि कार्यकर्ता ईवीएम को हराना चाहते हैं तो उस कंस्टिट्यूएंसी में 65 उम्मीदवार खड़े कर दो, खर्चा आएगा 6.5 लाख का खर्चा आएगा, एक उम्मीदवार की डिपॉजिट है 10,000, 6.5 लाख का खर्चा आएगा, लेकिन 65 उम्मीदवार रखोगे तो ईवीएम के बजाय पेपर बैलेट यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ईवीएम जिसने मैन्युफैक्चर किया है बेल, उसकी ये लिमिट है कि 64 से ज़्यादा कैंडिडेट को हैंडल नहीं कर सकते, और ये कलेक्टर की मैनुअल में लिखा है, रिटर्निंग ऑफिसर की मैनुअल में, कि 64 से ज़्यादा उम्मीदवार हो तो पेपर बैलेट यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से ईवीएम को हरा सकते हैं। अब बड़े संगठन के पास 6.5 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, ये कुछ संगठन बोलते हैं ना हम ईवीएम के विरोधी है, सबके सब झूठे हैं। बीजेपी के कुछ नेता बोलते हैं कि हम ईवीएम के विरोधी है, भाई क्या विरोधी हो, विरोधी हो तो क्यों नहीं रखते आप 65 उम्मीदवार, कौन सी बड़ी बात है, आपके पास इतने सारे कार्यकर्ता, इतने सारे आपके वोटर है, इतनी सारी ऑफिसें हैं, आप हर एक कॉर्पोरेटर को बोलो कि भाई 4-4 कैंडिडेट खड़े रखो तो भी हो जाएंगे, तो और 6.5 लाख रुपए पर कंस्टिट्यूंसी, लोकसभा या पार्लियामेंट और असेंबली, वो उनके लिए कोई बड़ी रकम तो है नहीं, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं उनसे। तो इस तरह से वो पेपर बैलेट रखवा सकते थे, पर करीब करीब सारी पॉलिटिकल पार्टियों एक्सेप्ट टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने 12 में से 6 जगह पे 65-70 कैंडिडेट खड़े कर दिया, वहां पे पेपर बैलेट यूज करने पड़े, वहां कांग्रेस हार गई, टीआरएस जीत गई, उससे पहले वहां कांग्रेस जीत गई, 2009 में कांग्रेस जीती थी और 2010 में इलेक्शन हुए और ये पेपर बैलेट रखने पड़े तो कांग्रेस सब में हार गई। तो इस तरह से 65 कैंडिडेट रख सकते हैं, और ये लोक आंदोलन की बात हुई। इस बात को बढ़ावा देने से मन तो दूर रहा, मतलब सुब्रमण्यम स्वामी जो जिसको अक्सर श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने ईवीएम में ये रिसीट का नाटक लगवाया, मैं बताऊंगा कि वो क्यों नाटक है, कि मैंने सारे नेताओं से रिक्वेस्ट की कि आप अपने कार्यकर्ताओं को बताओ कि भाई ईवीएम की कैपेसिटी 64 है और यदि 65 हो गए तो इलेक्शन कमीशन को पेपर बैलेट यूज करना पड़ेगा, तो उन्होंने मना कर दिया कि ये बात हम कार्यकर्ताओं को नहीं बताएंगे, उनके एक भी कार्यकर्ताओं को ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाई उन्होंने कि भाई आप किसी बूथ में जाके 65 कैंडिडेट खड़ा कर दो इलेक्शन में तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को पेपर बैलेट यूज करना पड़ेगा, और अदालत में जाकर टाइम वेस्ट किया पीआईएल के नाम पर। एंड में पीआईएल का तो कोई जजमेंट आया नहीं, हाईकोर्ट का जजमेंट ये आया कि इलेक्शन कमीशन को जो करना है करें, जो रिसीट है वो बाइंडिंग नहीं है, पहले तो प्रिंटेड रिसीट है उसका कोई डिटेल नहीं दिया इलेक्शन कि प्रिंटेड रिसीट है वो क्या वोटर के हाथ में आएगी, हाथ में आएगी तो वोटिंग कॉन्फिडेंशियल नहीं रहा, वोटिंग कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, वोटिंग वो तो गैरकानूनी हो जाएगा, यदि रिसीट वोटर के हाथ में आए तो मैं कहूंगा ये वोटिंग मशीन है वो गैरकानूनी हो जाएगा, ये यूज हो ही नहीं पाएगा क्योंकि वोटिंग है वो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल इस हद तक कि जिस आदमी ने वोट दिया उसके पास भी कोई सबूत नहीं रहना चाहिए कि उसने किसको वोट। अब रिसीट आती है, मैं देखूंगा कि भाई उसमें मैंने कांग्रेस को वोट दिया, उस पर क्या कांग्रेस छप के आएगा, उस पर कैंडिडेट का नाम छप के आएगा या सिर्फ कैंडिडेट का नंबर छप के आएगा, क्या छप के आएगा उसमें, और वो रिसीट है वो सीधी बैलेट बॉक्स में जाएगी तो उसका मैकेनिकल डिज़ाइन क्या है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आएगी कि इतने सारे प्रिंटर आप लगाओगे, 7.5 लाख प्रिंटर,
ईवीएम के साथ लग जाएंगे, खर्चा लगेगा 2000-3000, मुझे नहीं पता कितना, 2000-3000 तो मिनिमम लगेगा खर्चा। तो प्रिंटर का प्रॉब्लम ये होता है कि यदि आप 2-3 साल तक प्रिंटर चलाओगे नहीं तो हो सकता है वो जैम हो जाए, या तो वोटिंग मशीन के बूथ पे भी जैम हो जाए। जैसे अक्सर आप बैंक में जब जाते हो पासबुक प्रिंट कराने, तो 20-25 में से एक बार ऐसा होगा कि वहाँ पे जो मशीन है वो बंद पड़ा है। उनके पास 2-3 मशीन इसीलिए रखते हैं कुछ कुछ बैंक, क्योंकि 3 मशीन में से एक मशीन हमेशा खराब पड़ा होता है। क्यों खराब पड़ा होता है कि जिसमें भी मूविंग पार्ट होता है, मैकेनिकल पार्ट होता है, हेड होता है प्रिंटिंग का, वो कभी घिस जाता है या तो जैम हो जाता है। ये प्रॉब्लम प्रिंटर में बहुत कॉमन है। तो आप वहाँ पे बूथ में यदि प्रिंटर जैम हो गया तो उसको एक डुप्लीकेट प्रिंटर देना पड़ेगा वहाँ पे, इसका मतलब है तो कॉस्ट और बढ़ जाएगी। उसके बाद फिर से प्रॉब्लम तो यही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मैंने बटन दबाया बीजेपी का, उसने भी प्रिंट किया बीजेपी, लेकिन उसकी मेमोरी के अंदर उसने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, उसका क्या प्रूफ है भाई? मेमोरी के अंदर क्या मैं एक्सरे लेके देखूंगा? और एक्सरे से भी कोई मेमोरी को देख नहीं सकता। मतलब सवाल यही आता है कि मैंने बटन बीजेपी का दबाया तो लाइट तो बीजेपी के सामने ही होती है 99.99% केस में। वो 2-4% मुश्किल से 0.1% केस थे जिसमें वो सर्किट जैम हो गई थी कि जिसकी वजह से ऐसा हुआ था, वो बहुत रेयर केस है, उसको मैं नहीं मुद्दा बनाऊंगा। पर मुद्दा ये है कि मैंने बटन दबाया बीजेपी पे या बीएसपी पे या टीडीपी पे किसी पार्टी पे, और वोटिंग मशीन ने मेमोरी में डाल दिया कांग्रेस के खाते में, या तो मेमोरी के अंडर डाला कांग्रेस के खाते में लेकिन डिस्प्ले पे दिखाता है, तो मेमोरी में दिखाया बीजेपी के खाते में डाल दिया लेकिन डिस्प्ले में वो मैनिपुलेट करके कांग्रेस के खाते में बताता है। वो हरिप्रसाद की वीडियो में वो एक्सप्लेन किया कि कैसे डिस्प्ले मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रिसीट से अपने आप में कोई फायदा नहीं है। अब बात आएगी कि रिसीट की गिनती करोगे तो फिर सेविंग्स कहाँ हुई? बैलेट पेपर में ढोल नगाड़ा ये बजाया जाता है कि बैलेट पेपर की गिनती में टाइम लगता है। अब यहाँ रिसीट छपी तो पहले ईवीएम पे वोट देखा और फिर रिसीट की नहीं, तो ये बात हुई कि 100 जूते खाए और 100 प्याज खाए। सेविंग का ईवीएम का फायदा क्या जब आप रिसीट गिन रहे हो? तो बैलेट पेपर ही ले लेते पहले से। अब और क्वेश्चन आता है कि यदि दोनों में मिसमैच हुआ तो किसका काउंट वैलिड माना जाएगा? एक कंस्टिट्यूएंसी में 1500 ईवीएम होते हैं तो कुछ एक में तो मिसमैच निकलेगा ही निकलेगा, तो किसमें आप वैलिड मानोगे? रिसीट को वैलिड मानोगे या ईवीएम को वैलिड? उसका कोई डिटेल स्पेसिफिकेशन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के नहीं दिया, और वो पोस्टपोन करते रहते कब देंगे। अभी इलेक्शन तो एक के ऊपर एक होते हैं। देखो ये पीएल की वजह से कितना टाइम पास हो गया और देश को कितना नुकसान हो गया। 2009 में मैंने सजेशन किया था कि इस पर मास मूवमेंट होनी चाहिए, पीएल का नाटक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज और हाईकोर्ट के जज बिके हुए हैं, वो टाइम पास कर देंगे। और मई 2009 से लेकर आज तक 3 साल निकल गए, 3 साल के बीच जितने भी इलेक्शन हुए वो सब ईवीएम से हुए, यानी मैनिपुलेट करना था तो यदि हो सकता था तो हो गया 3 साल, यानी 3 साल तक तो मैनिपुलेशन चालू रहा डेढ़ अक्टूबर, और अभी भी चालू रहेगा जब तक रिसीट नहीं आएगी। और इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसा राइटिंग में कमिटमेंट नहीं दिया कि यदि रिसीट नहीं आएगी तो हम ईवीएम यूज़ नहीं करेंगे। अभी इलेक्शन कमीशन का स्टैंड साफ है कि हम ईवीएम यूज़ करेंगे। रिसीट आ गई तो तुम्हारा नसीब, नहीं आ गई तो भी तुम्हारा नसीब। यानी ये जो रिसीट वाली बात है वो यदि क्लियर नहीं होती तो इसका मतलब कि ईवीएम मैनिपुलेशन को फ़ायदा हो रहा है। कैसे फ़ायदा हो रहा है? ईवीएम मैनिपुलेशन चलता जाएगा, तुम्हें रिसीट मिले या ना मिले, और रिसीट मिले तो भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कोई प्रूफ तो है नहीं कि मेमोरी में काउंट ठीक हुआ है। दूसरा कि एक वोटर ने बीजेपी को वोट दिया, कांग्रेस ने प्रिंट किया, और ईवीएम ने प्रिंट किया कांग्रेस, तो वोटर क्या चिल्लाए तो उसका मतलब उसका वोट कॉन्फिडेंशियल नहीं रहा। वोटिंग कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। मैं फिर से आपको बोलता हूँ कि ये बेसिक रूल है कि वोटिंग कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। मैंने बीजेपी का बटन दबाया, ईवीएम मशीन ने प्रिंट करके दिया कांग्रेस। अब मैं यदि चिल्लाता हूँ कि भाई ईवीएम ने गलत प्रिंट किया तो इसका मतलब कि मेरा वोट ओपन हो गया, और दूसरा कि मैं चिल्लाऊंगा तो प्रूफ कैसे होगा कि मैं सच में आया, ईवीएम सच है? ये भी तो हो सकता है कि मुझसे गलती से कांग्रेस का बटन दब गया हो, ये भी तो हो सकता है कि मैं जानबूझ के झूठ बोल रहा हूँ। भाई एक बूथ में 1500 वोटर होते, एक आध वोटर से तो गलती होगी कि वो वोट एक बूथ में करीब
1100-1100 वोटर होते हैं जिसमें से वोट देने आते हैं 600-700, तो 600-700 में से मान लो एक दो तीन वोटर से गलती हुई कि उन्होंने वोटिंग उनको वोट देना था बीजेपी को, उनसे गलती से बटन दब गया कांग्रेस का, ईवीएम ने प्रिंट करके दिया कांग्रेस का, वो सोचेगा कि मेरी गलती नहीं है, ईवीएम झूठ बोल रहा है। अब कैसे तय करोगे कि दोनों ईवीएम झूठ बोल रहा है, ईवीएम मैनिपुलेटेड या वोटर झूठ बोल रहा है? या तो मुझे कैंडिडेट ने जानबूझ के एक आदमी को भेजा कि वहां जाके तू दंगल करना, कि बटन दबाना कांग्रेस का, ईवीएम कांग्रेस को निकाले, तब जाके चिल्लाना कि मैंने बीजेपी का बटन दबाया था, ईवीएम ने कांग्रेस को वोट दिया, ये भी तो पॉसिबल है। तो इस तरह से सारे सिनेरियो तुम ऐड करो, तो पहले मुझे कहूंगा कि डिटेल स्पेसिफिकेशन सुब्रमण्यम स्वामी ने मांगा ही नहीं, उन्होंने ये बोला ही नहीं कि भाई रिसीट का तुम करोगे क्या, उन्होंने बोला ईवीएम के रिसीट छपनी चाहिए। भाई रिसीट का क्या करना है तुम्हें, रिसीट की काउंटिंग करनी है, रिसीट को सिर्फ बक्से में सजा के रखना है, रिसीट की काउंटिंग और ईवीएम की काउंटिंग में गलत हो तो किसकी काउंटिंग माननी चाहिए, कैंडिडेट यदि वोटर है वो रिसीट लेके भाग गया तो क्या करोगे, क्या वो रिटर्निंग ऑफिसर उसे झगड़ा करेगा कि मत भाग तू? पहले तो क्या था कि बैलेट पेपर लेके कोई भागता क्यों नहीं था, कि भागेगा तो उसका नुकसान है, उसका वोट बैलेट बॉक्स में आएगा नहीं, जबकि यहाँ पे तो मुझे जो कैंडिडेट है उसको दिखाना है कि मैंने कांग्रेस को वोट दिया, तो जैसे ही ईवीएम ने कांग्रेस निकाला मैं वोट लेके भागने जाऊंगा कि देख मैंने कांग्रेस को वोट दिया, दिया मुझे 500 रुपया, या जो भी बीजेपी का वोट दिया, दिया मुझे 500 रुपया। तो इसमें तो वोटर की टेंडेंसी रहेगी कि वो रिसीट लेके भागने की कोशिश करे, तो ताकि उसे सबूत की तरह दूसरी जगह को दिखाना है। तो ये सारा स्पेसिफिकेशन जो डिटेल देना चाहिए वो सुब्रमण्यम स्वामी ने आज तक अपने वेबसाइट पे या किसी और डॉक्यूमेंट में दिया ही नहीं कि भाई रिसीट से उनको क्या चाहिए। तो ईवीएम को मौका मिल गया कि हम रिसीट छाप देंगे, और उन्होंने भी कोई डिटेलिंग नहीं दी कि रिसीट के अकाउंट में और ईवीएम के अकाउंट में मिसमैच आया तो क्या होगा, और एंड में रिसीट के नाम पे ईवीएम के धांधली चालू रहेगी, मुश्किल ये होगी कि ईवीएम की धांधली खत्म नहीं हुई, रिसीट के नाम पे ईवीएम की धांधली चालू रहेगी। उसके बजाय यदि डिमांड ये रखी होती कि बैलेट पेपर चाहिए, या तो ये डिमांड रखो कि भाई पब्लिक है वो प्रधानमंत्री के वेबसाइट के ऊपर मिस कॉल करे, दो नंबर रख दे प्रधानमंत्री कि ईवीएम चाहिए तो इस पर मिस कॉल करो, ईवीएम नहीं चाहिए तो इस पर मिस कॉल करो। तो ये मांग सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री के सामने रखने से साफ साफ इनकार कर दिया कि इस तरह की कोई डिमांड मैं प्रधानमंत्री के सामने नहीं रखूंगा। और हमने तो डिमांड रखी, अखबार में डाली थी 31 जुलाई 2009 के एडवर्टाइजमेंट में मैंने रखा था, इसमें मिस कॉल की बात नहीं रखी थी, क्योंकि 2009 में करीब करीब कुछ कम लोगों के पास मोबाइल थे, अब इसलिए मैंने मिस कॉल मैंने ये रखा कि आदमी पटवारी की कचहरी में जाके 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया देके रख सकता है। और मैंने जो मैगजीन प्रिंट की थी, मतलब जो डॉक्यूमेंट दिया था ईवीएम 1.pdf, उसमें मैंने मिस कॉल की बात रखी थी, एसएमएस की बात रखी थी कि आदमी एसएमएस के जरिए बता सके कि उसे ईवीएम चाहिए या नहीं। तो अब उपाय क्या है हमारे पास कि जो कार्यकर्ता ईवीएम को हराना चाहते हैं उन्हें जितने भी नेता है, अन्ना द अन्ना, द छोटे अन्ने, सुब्रमण्यम स्वामी, एमपी एमएलए जितने भी आपको मिलते हैं सब पे आप दबाव डालो कि आप प्रधानमंत्री को समझाओ, डराओ, धमकाओ, लंचाओ, सामदाम दंड भेद जो भी करना है करो, प्रधानमंत्री को आप राइटिंग में दो कि वो दो फोन रखे कि एक ईवीएम यस के लिए जहां पे मिस कॉल हो सकता है और एक ईवीएम नो के लिए मिस कॉल हो सकता है, और जो नंबर से फोन होता है उसका लिस्टिंग प्रधानमंत्री के वेबसाइट पर है, तो इससे पता चलेगा कि देश के कितने लोग ईवीएम चाहते हैं और देश के मेजोरिटी लोग ईवीएम को नहीं चाहते। अब संगठनों का क्या रवैया है, आरएसएस के जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने ईवीएम को समर्थन दिया है कि ईवीएम चालू रहना चाहिए, अडवाणी ने ईवीएम को ऊपर से विरोध किया है पर अंदर से समर्थन किया है। कैसे समर्थन किया कि जब कुछ एक कार्यकर्ताओं ने अडवाणी को बोला कि भाई इलेक्शन आ रहे हैं असेंबली के, हम 65 उम्मीदवार खड़ा कर दे, तो अडवाणी ने मना किया कि एक भी कंस्टिट्यूएंसी में इस तरह से 65 उम्मीदवार खड़े नहीं करते, यानी अंदर से वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मिले हुए। अब मीडिया ने ईवीएम के मैनिपुलेशन का जो वीडियो बताया नहीं, उससे कुछ और बात मैं सोच रहा हूं कि किसी ने उन्हें पैसा दिया कि ये वीडियो मत बताओ। भाई जो मीडिया टीआरपी के लिए इतना पागल माना जाता है, तो ईवीएम मैनिपुलेशन का वीडियो आपको, आप वीडियो देखिए, यदि वो वीडियो टीवी पे आता है तो वो तहलका से 10 गुना बड़ा तहलका है। तहलका में जो एक पिक्चर था बंगारू लक्ष्मण 1 लाख रुपए के कैश ले रहे हैं,
और उसने जो तहलका मचाया था पूरा देश में। और दूसरा एक वीडियो था कि जिसमें दिलीप सिंह जुदेव 9-10 लाख रुपया लेते हैं और ऐसे रुपया दिखा के कहते हैं कि पैसा खुदा नहीं लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं, रिश्वत ले रहे हैं 9 लाख की और 9 लाख ऐसे रख के बोल रहे हैं कि खुदा की पैसा खुदा नहीं लेकिन खुदा की कसम पैसा खुदा से कम भी नहीं। तो वो वीडियो ने एक एक चैनल ने वो वीडियो दिखाया था और लोगों ने देखा था, पसंद किया था, उसे टीआरपी रेटिंग बढ़ी थी। तो ईवीएम मैनिपुलेशन का वीदियो तो उसे 10 गुनी ज़्यादा टीआरपी दिला देगा, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी टीवी चैनल ने, पेड टीवी चैनल ने इस वीडियो को नहीं बताया। इसका मतलब कि किसी ने उनको ये वीडियो न दिखाने का पैसा दिया था और दबाव डाला। अब कौन सी ऐसी हस्ती है जो कि सारे टीवी चैनलों को पैसा दे सकती है, दबा सकती है, और दोनों, एक हाथ में लड्डू एक हाथ में डंडा, ऐसे ही काम चलता है। तो ये संस्था ना कांग्रेस हो सकती है ना बीजेपी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास इतनी पावर नहीं है कि सारी चैनलों को दबा सके, बीजेपी के पास इतनी पावर नहीं है कि सारी चैनलों को दबा सके। ये इस काम सिर्फ CIA या अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनियां कर सकती है, वो सारे चैनल को दबा सकती है कि खबरदार एक भी चैनल ये ईवीएम मैनिपुलेशन का वीडियो नहीं बताएगा। और चैनल सिर्फ उतनी बड़ी हस्ती की बात मानेगा, CIA वो ओपनली मैनिपुलेट नहीं करता, वो मैनिपुलेट करता है थ्रू शेयर होल्डिंग कंपनी। शेयर होल्डिंग कंपनी कैसे कि अधिकतर न्यूज चैनल है वो लॉस कर रहे हैं, अधिकतर टीवी चैनल लॉस कर रहे हैं, सारे न्यूज चैनल लॉस कर रहे हैं, अधिकतर नहीं, न्यूज चैनल सारे के सारे लॉस पे चल रहे हैं। हमेशा उन्हें शेयर मार्केट से या बॉन्ड मार्केट से पैसा लेना पड़ता है। तो मल्टीनेशनल कंपनियां और CIA पैसा इन्वेस्ट करती है, और कैसे इन्वेस्ट करती है कि एक म्यूचुअल फंड बना लेते हैं मॉरिशस में या कहीं भी, और उसके थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं मीडिया कंपनियों में, और पैसा इन्वेस्ट करते टाइम मीडिया कंपनी के चेयरमैन को बोल देते हैं कि हम रोज रोज आपको नहीं बोलेंगे कि ये दिखाओ ये मत दिखाओ, पर महीने में 2 महीने में 3 बार हमारी एक इंस्ट्रक्शन आ जाएगी कि ये दिखाना है ये नहीं दिखाना है, कि अन्ना को दिखाना है, ऐसी इंस्ट्रक्शन साल में 1-2 बार देंगे, महीने में मुश्किल से 3 महीने में 1 बार 2 महीने में 1 बार देंगे, क्या 24 घंटे अन्ना को दिखाना है, यानी 24 घंटे अन्ना की फोटो आएगी टीवी, या तो इंस्ट्रक्शन आएगी कि ईवीएम को नहीं दिखाना है, यानी एक भी चैनल ईवीएम नहीं दिखाएगा जिस जिस चैनल में उसने शेयर खरीद के रखा है। क्यों? क्योंकि यदि उस चैनल ईवीएम दिखाने की हिम्मत की तो दूसरे दिन CIA के सारे शेयर मार्केट में बेच देगा, बॉन्ड बेच देगा, उनकी रेटिंग इतनी खराब हो जाएगी कि चैनल है वो फाइनेंशियल क्रंच में आ जाएगा, चैनल बंद हो जाएगा। तो इस तरह से थ्रू म्यूचुअल फंड और अदर फंडिंग सोर्सेस मीडिया को मल्टीनेशनल कंपनियां और CIA दबाती है। तो CIA तो जो भी ईवीएम मैनिपुलेट करने वाली एजेंसी है वो इतनी ताकत वाली है कि एक भी टीवी चैनल की हिम्मत नहीं हुई कि हरिप्रसाद का जो ईवीएम मैनिपुलेशन का वीडियो है वो दिखाया। तो अब मैं समराइज करूंगा, ईवीएम मैनिपुलेट हो सकता है, उसका एक वीडियो हैदराबाद के इंजीनियर हरिप्रसाद ने बना के दिखाया, यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं। उसमें कैसे हैं कि आप ईवीएम खोल के उसका डिस्प्ले का सर्किट चेंज कर सकते हो, कैसे चेंज कर सकते हो कि जिस स्टोर रूम में 10,000 ईवीएम पड़े उसकी चाबी मुझे कोई दे दे 4-5 घंटे के लिए, या तो जब ईवीएम ट्रक से बैंगलोर से बॉम्बे या बैंगलोर से दिल्ली या बैंगलोर से चंडीगढ़ के बीच आए तो मेरी कंपनी उस ट्रक का कॉन्ट्रैक्ट ले दे। कैसे ट्रक का कॉन्ट्रैक्ट ले सकती है कि मान लो बैंगलोर से बॉम्बे पहुँचाने का जेन्युइन कॉस्ट आ रहा है 20,000 ट्रक का, तो बेल है वो टेंडर मंगाएगी, मैं टेंडर भरूंगा 19,000 का। अब जो जेन्यून ट्रकिंग कंपनी है यदि खर्चा 20,000 का है तो उसका टेंडर कितने का होगा, 22,000 का, 23,000 का, 24,000 का, कोई 19,000 का तो टेंडर भरेगा नहीं, मुझे तो ईवीएम मैनिपुलेट करना है तो मैं टेंडर भर दूंगा 19,000 का, क्या 15,000 का भी भर दूंगा, तो मेरा टेंडर पास हो गया, तो ट्रकिंग का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया, बैंगलोर से जो दिल्ली ईवीएम ले जा रहा हूँ सबके सर्किट बदल दूंगा 2-3 घंटे के अंदर, 5 दिन का टाइम है मेरे पास। तो इस तरह से डिस्प्ले मैनिपुलेट हो सकता है। दूसरा मैंने तरीका बताया कि ईवीएम की चिप है वो मेड इन अमेरिका। अच्छा, ये पॉइंट मैं बताना भूल गया, इलेक्शन कमीशन ने या बेल ने किसने ये डिसीजन लिया वो तो पूछना पड़ेगा, कि उन्होंने साफ साफ बोला कि हम हिंदुस्तान की कंपनियों के पास चिप नहीं बनवाएंगे, हम चिप अमरीका से मंगाएंगे। अमरीका की माइक्रोचिप इनकॉर्पोरेटेड नाम की कंपनी ने ईवीएम का माइक्रो कंट्रोलर बनाया, ये मैं आपको फैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, गूगल करके देख सकते हो। ये बात बतानी पड़ी, कैसे बतानी पड़ी,
कि जब ईवीएम हाथ में आ गया और लोगों ने खोल के देखा तो अभी इलेक्शन कमीशन के पास झूठ बोलना मुमकिन नहीं था, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने अमेरिका की कंपनी के पास ये माइक्रोचिप, ये चिप बनाई माइक्रो कंट्रोलर। अब माइक्रोचिप इनकॉर्पोरेटेड है वो अपना 25-30% 40% सेल है वो अमेरिका की सरकार के डिपार्टमेंट को, डिफेंस डिपार्टमेंट को करती है। यानी जाहिर है कि यदि CIA जैसी संस्था कहती है, कहेगी कि चिप में हमको थोड़ा सा चेंज करना है, तो माइक्रोचिप इनकॉर्पोरेट कर देगी, हमको क्या जाता है। ऊपर से CIA उसको जो चिप का पैसा है उसे 10 गुना पैसा दे देगी। तो अमेरिका से चिप मंगाई और अमेरिका की कंपनी ने उसमें यदि माइनर मैनिपुलेशन कर दिया है तो कर सकते हैं। दूसरा, अमेरिका के पेंटागन का एक रिपोर्ट है कि यदि चिप के अंदर कोई मैनिपुलेशन करता है तो उसको प्रूव या डिसप्रूव करना इम्पॉसिबल है। जो माइक्रो सर्किट है उसकी माइक्रो कोड बोलते हैं उसको, या गेट लेवल सर्किट, यदि गेट लेवल पे कोई सर्किट चेंज करके उसमें ट्रोजन रखता है या मैनिपुलेशन करता है तो उसको प्रूव या डिसप्रूव करना इम्पॉसिबल है। और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जिसे बोलते हैं या इलेक्ट्रॉनिक ट्रोजन रखना, वो प्रूव हो गया कि लोग कर रहे हैं ऐसा, कि सीरिया ने फ्रांस से रडार खरीदे थे या रशिया से, मैं भूल गया, उसने रडार खरीदे थे और रडार इतने अच्छे थे कि मक्खी को भी डिटेक्ट कर लेते। लेकिन इसराइल के जब प्लेन आए बम फेंकने के लिए तो रडार ने आधे घंटे तक काम नहीं किया, और बाद में उसमें प्रूव हुआ कि उस रडार के अंदर ट्रोजन था, यानी कि ट्रोजन एक्टिवेट कर दिया इसराइल वालों ने पता लगा के, और उसके बाद रडार ने आधे घंटे तक काम नहीं किया। दूसरा एक केस है कि वो वायरस रखा था जो कि फैलते फैलते अमरीका की CIA ने वायरस बनाया था, वो ईरान के न्यूक्लियर पावर स्टेशन में चला गया और उसने ईरान के जो माइक्रो कंट्रोलर्स थे उसको खराब कर दिया सब। तो यहाँ तो एक वायरस CIA का जो कि घूमते घूमते ईरान पहुँच गया और उसने ईरान की मशीनरी को खराब कर दिया, यहाँ तो इलेक्शन कमीशन है वो माइक्रो कंट्रोलर चिप ही अमरीका से मंगा रहा है। यूँ समझो कि वो CIA से ही मंगा रहा है। जो माइक्रोचिप इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है उसको आप, वो आप CIA की कंपनी समझ लो, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज, फॉर ऑल फाइनेंशियल पर्पज। यानी हमारा इलेक्शन कमीशन है वो CIA को बोल रहा है कि आप हमें माइक्रो कंट्रोलर का सर्किट बना के दो, माइक्रो कंट्रोलर चिप दो, और वो चिप हम EVM के अंदर इस्तेमाल करते हैं। यानी CIA को जितने मैनिपुलेशन करने हो सोनिया गांधी के फेवर में वो कर सकते हैं। और एंड में जब बात आई 2009 के आसपास की EVM को अब कैसे दूर किया जाए, तो हमारे जैसे छोटे लोगों ने बोला कि इसके लिए मास मूवमेंट होनी चाहिए। मास मूवमेंट कैसे, कार्यकर्ताओं को बताओ कि भाई 65 उम्मीदवार खड़े करो, कार्यकर्ताओं को बोलो कि उनके पार्टी के नेता से पूछे कि भाई 65 उम्मीदवार खड़े करने हैं या नहीं, यदि मना करेंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे, और हाँ कहेंगे तो चलो देश का फायदा हो गया, 65 उम्मीदवार आ जाते हैं तो। और प्रधानमंत्री को बोलो कि वो नागरिक को ऑप्शन दे कि वो पटवारी की कचहरी पे जाके या वेबसाइट पे SMS करके या मिस कॉल करके हाँ रजिस्टर कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं ने दिया, लेकिन जो महान है जिनको मीडिया फंडिंग, मतलब मीडिया फंडिंग मिलता है, यानी मल्टीनेशनल कंपनियां और मिशनरी, टाइम्स ऑफ इंडिया और सारे अखबारों को अरबों रुपया देती है सुब्रमण्यम स्वामी का फोटो फ्रंट पेज पे छापने के लिए, उनको हीरो दिखाने के लिए, इंडिया टुडे, आउटलुक, ये सब जो सुब्रमण्यम स्वामी का फोटो फ्रंट पेज पे छापते हैं क्योंकि उनको ये सारी कंपनियां पैसा देती है। उन्होंने बोला कि ये कार्यकर्ताओं को बताना नहीं चाहिए कि 65 उम्मीदवार आएंगे तो EVM के बजाय पेपर बैलेट यूज करना पड़ेगा। तो भाई कैसे, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो क्या अदालत में जाके टाइम पास कर देते हैं। अदालत में जाओ, हाईकोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, वहाँ से एक हाईकोर्ट से दूसरी हाईकोर्ट, दूसरी हाईकोर्ट से तीसरी हाईकोर्ट, वहाँ जाके टाइम पास करो। दिल्ली हाईकोर्ट में एंड में जजमेंट क्या दिया कि इलेक्शन कमीशन विल डिसाइड, ये फाइनल जजमेंट है दिल्ली हाईकोर्ट का, इलेक्शन कमीशन विल डिसाइड। और टाइम पास करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया रिसीट डाल देंगे, पर रिसीट का कोई डिटेलिंग ना सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया, इलेक्शन कमीशन ने दिया, ना सुब्रमण्यम स्वामी मांग रहे हैं। तो मैं आप एक्टिविस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप EVM के यदि सचमुच हराना चाहते हैं तो मास मूवमेंट शुरू कीजिए, पार्टियों से कहिए कि हर एक सीट पे 65 उम्मीदवार खड़े रखें ताकि वो EVM यूज ना कर सके। 65 में से अधिकतर हार जाएंगे तो ठीक है, वैसे भी 10,000 का घाटा जाएगा तो 6.5-6 लाख रुपये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और आप सारे नेताओं से रिक्वेस्ट करो कि वो प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट करें, सामदान दंडवे किसी भी तरह से मजबूर करें कि प्रधानमंत्री अपने वेबसाइट पे 2 फ़ोन नंबर रखें मिस कॉल करने के लिए, एक EVM यस के लिए और एक EVM नो के लिए। धन्यवाद।